केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान ने सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी की देर रात 40 वर्षीय जय भगवान राणा को संजय गांधी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां कई घंटे जिंदगी और मौत से जूझने के बाद जय भगवान राणा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जय भगवान राणा हरियाणा के रोहतक स्थित पाकिस्मा गांव के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक मृतक जय भगवान राणा पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों की सेवा कर रहे थे। वो उनके लिए दूध और सब्जी लाकर मदद करते थे। मृतक की एक 10 साल की बेटी और पत्नी है। उनके जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मृतक ने लिखा है कि जिंदा किसानों की कोई नहीं सुन रहा, क्या पता मुर्दा किसान की ही कोई सुन ले, ऐसे में आत्महत्या करने के लिए सल्फास की गोली खा ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बता दें, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की तमाम सीमाओं पर लगातार 56वें दिन भी किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखना भी ये होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।